नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में इसी सप्ताह आएगी 1.70 लाख शिक्षकों की वैकेंसी। 2019 में छूटे हुए विषयों के लिए होगा STET। बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर बहाली। बिहार के इस लाल ने विदेशी धरती पर बढ़ाया भारत का मान। IPL में शतक के बाद शुभमन गिल ने इस क्रिकेटर को बताया अपने इंस्पिरेशन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में इसी सप्ताह आएगी 1.70 लाख शिक्षकों की वैकेंसी। BPSC की ओर से ली जाने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कक्षा 1 से 12 तक के 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी इसी सप्ताह आने वाली है। बता दें कि वैकेंसी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा और फिर इसकी परीक्षा अगस्त के अंत तक 3 अलग अलग तारीखों पर आयोजित की जाएगी। वहीं इस परीक्षा का रिजल्ट नवम्बर महीने के अंत तक जारी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 व कक्षा 11 से 12 के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन फॉर्म भरने होंगे। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर BPSC की ओर से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी जारी कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा परीक्षा से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया गया है कि परीक्षा का आयोजन एक ही चरण में होगा, जिस वजह से सामान्य PT परीक्षा से अधिक सख्ती बरती जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी के 175 मामलों का किया निष्पादन। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत में बीते दिन शराबबंदी से जुड़े कुल 192 नियमित जमानत के मामले सूचीबद्ध किए गए और साथ ही जस्टिस पांडे के द्वारा 120 मिनट में शराबबंदी से जुड़े कुल 175 मामलों का निष्पादन किया गया। बता दें कि बीते दिन हुए मामलों का यह निष्पादन अपने आप में एक रिकॉर्ड निष्पादन है। बता दें कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुनियाल के द्वारा बीते दिन प्रेस वार्ता में बताया गया कि उत्पाद टीम के द्वारा हर दिन शराबबंदी मामले को लेकर औसत 784 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2022 के बाद अब तक राज्य में 6,215 गाड़ियों से कुल 37 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। 1 अप्रैल से 15 मई तक निबंधन विभाग ने निबंधन से करीब 713 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है और इस वित्तीय वर्ष 6300 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 2019 में छूटे हुए विषयों के लिए होगा STET। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा बताया गया है कि जिन विषयों की परीक्षा 2019 से नहीं करवाई गई थी, उन विषयों की परीक्षा के लिए STET परीक्षा कराई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2019 में अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी भी भाषा और कला विषय की STET परीक्षा नहीं करवाई गई थी। वहीं अब ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि STET परीक्षा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान समेत आदि विषयों में भी करवाए जाएंगे। बता दें कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए TET कराने पर भी विचार चल रहा है। हालांकि इसकी प्रक्रिया अभी तय होनी बाकी है। मालूम हो कि कक्षा 6 से 8 तक के रिक्तियों को प्रमोशन के आधार पर भरा जाना है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को मिला राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का दर्जा। पूर्व मंत्री सह झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक बार फिर से मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिल गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला था, लेकिन कुछ कारणों से इसका यह दर्जा समाप्त हो गया था। मालूम हो कि मिथिला की पहचान के अनुरूप इस संस्थान में मछली अनुसंधान को भी जोड़ दिया गया है। बता दें कि पूर्व मंत्री सह झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस संबंध में उन्होंने पूर्व कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर से पत्राचार किया था, जिसका उन्होंने सकारात्मक उत्तर भी दिया था। पूर्व मंत्री ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस निर्णय से मिथिला क्षेत्र में मखान के उत्पादन को उन्नत तकनीक के माध्यम से बढ़ावा मिल सकेगा और आत्मनिर्भर मिथिला का संकल्प सिद्ध होगा। बिहार के इस लाल ने विदेशी धरती पर बढ़ाया भारत का मान। बिहारवासी न केवल अपने राज्य और अपने देश में बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बता दें कि एक बार फिर से बिहार के एक लाल ने इंग्लैंड में अपने देश और राज्य का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल हम जिस बिहार के लाल की बात कर रहे हैं, वह बिहार के सारण जिले के पकड़ी गाँव के अशोक तिवारी है। बता दें कि अशोक तिवारी को इंग्लैंड के संसद भवन हाउस ऑफ कॉमन्स में संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्हें एक अहम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले अशोक तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा जा चुका है। वहीं इंग्लैंड में सम्मानित होने के बाद अशोक तिवारी ने कहा है कि भारतीय लोगों के सहयोग से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, आगे भी विदेशी धरती पर भारत का मान बढ़ाने के लिए काम करता रहूंगा।
बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर बहाली। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बहुत जल्द ही बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर बहाली की जाएगी। बता दें कि इन 75,543 पदों में से 1,288 दरोगा और 194 SI के पदों पर बहाली के लिए रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया इसी माह पूरी की जा सकती है और फिर जैसे ही गृह विभाग से हरी झंडी मिलती है ठीक वैसे ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें गृह विभाग के द्वारा सूबे की बढ़ती जनसंख्या और डायल 112 की आवश्यकता को देखते हुए बिहार पुलिस के लिए 75,543 पदों का सृजन किया जाएगा जिसमें से सीधी नियुक्ति के तहत कुल 68,360 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं प्रतिनियुक्ति के माध्यम से 7,183 अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही 21,391 सिपाही नियुक्ति के विज्ञापन पर मंथन चल रहा है। सिवान जंक्शन का होगा आधुनिकीकरण। केंद्र सरकार की ओर से रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई अमृत भारत योजना के तहत 32.13 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी मंडल के सिवान रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत स्टेशन पर नई सुविधाओं के साथ ही पुरानी सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत सिवान रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, संपर्क मार्ग, पानी की निकासी के साथ पैदल आने जाने वाले यात्रियों के लिए पाथवे का निर्माण, स्टेशन भवन के बाहरी स्वरूप में सुधार एवं पोच का निर्माण, प्लेटफॉर्म का उच्चीकरण, प्लेटफॉर्म पर सेड विस्तार, सरफेस में सुधार का कार्य, द्वितीय प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया, डिजिटल क्लॉक, ऑटो अनाउंसमेंट, अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट काउंटर समेत अन्य सुधार एवं सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। IPS अमित लोढ़ा मामले पर दिल्ली HC ने नीतीश सरकार को दिया ये निर्देश। IPS अमित लोढ़ा के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को एक निर्देश दिया गया है। बता दें कि दिए गए निर्देश के तहत दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को कहा गया है कि वह IPS अमित लोढ़ा के खिलाफ दायर चार्जशीट को रिकॉर्ड में रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार और अमित लोढ़ा को एक नोटिस भी भेजा गया है। मालूम हो कि अमित लोढ़ा के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बिहार राज्य द्वारा उनके खिलाफ दायर की गई चार्जशीट और अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। वहीं अब इस मामले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायिकरण की पटना ब्रांच से कैट की नई दिल्ली ब्रांच ट्रांसफर करने को लेकर बिहार सरकार के द्वारा याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 25 मई को होगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में RJD नेताओं के ठिकानों पर CBI की रेड। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर CBI के द्वारा RJD नेताओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार खबर लिखे जाने तक CBI के द्वारा दिल्ली व NCR में कुल आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। मालूम हो कि मिली जानकारी के अनुसार यह सभी छापेमारी लालू यादव के करीबियों पर की जा रही है। बता दें कि बिहार में राजद विधायक किरण देवी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही लालू यादव के करीबी रहे प्रेम चंद्र गुप्ता के नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव स्थित ठिकानों पर भी CBI के द्वारा छापेमारी की जा रही है। समाचार एजेंसी के अनुसार इस मामले को लेकर बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 9 जगहों पर RJD नेताओं के परिसर पर छापे मारे गए हैं। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने को लेकर सम्राट चौधरी का बयान। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार सभी विपक्षी पार्टियों को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक करने की जीतोड़ कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से CM नीतीश को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में बताया जाने लगा है। वहीं अब इस पर बिहार BJP प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा CM नीतीश पर तंज कसते हुए कहा गया है कि कांग्रेस की जीत के बाद अब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरी तरह टूट गया है और अब नीतीश कुमार तुष्टिकरण की राजनीति में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कांग्रेस से राहुल गांधी होंगे। धर्म संस्कृति के तहत आयोजित चिवर दान में राज्यपाल ने लिया भाग। बोधगया में आयोजित धर्म संस्कृति के तहत आयोजित चिवर दान में भाग लेने के लिए आज बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बौद्ध भिक्षुओं के बीच चिवर दान किया। बता दें कि इस दौरान RSS के मुख्य वक्ता वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश भी मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोधगया में राज्यपाल के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी। मालूम हो कि यह दूसरी बार है जब राज्यपाल बोधगया पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने बोधगया में बुद्ध जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिरकत किया था। वहीं आज संघदान के बाद राज्यपाल के द्वारा समारोह को संबोधित किया गया और फिर वे बोधगया स्थित शंकराचार्य मठ पहुंचे और मठ का अवलोकन किया। इस दौरान वे भगवती अन्नपूर्णा अनुष्ठान में भी शामिल हुए और फिर मठ में पढ़ने वाले बच्चों व स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बेटी संग बनाई रील।
आज रील के दौर में सभी लोगों के द्वारा अपनी खुशी, अपनी दुखी, अपना प्यार समेत सभी फीलिंग्स रील के द्वारा जाहिर कर दी जाती है। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा भी एक रील बनाया गया है। मालूम हो कि उन्होंने यह रील अपनी बेटी कात्यायनी के साथ बनाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा अपनी बेटी के साथ जो रील बनाया गया है वह तुम इतनी क्यूट क्यों हो, तुम्हारी नजर उतारो गाने पर बनाया गया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पर इस गाने के साथ 18 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है और साथ ही लिखा है कि बेटियां उस घर में होती है जो घर भगवान को पसंद आता है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव अपनी बेटी कात्यायनी को सीने से लगाए नजर आते हैं और उनकी बेटी आराम से सो रही है और तेजस्वी उसे प्यार कर रहे हैं। सीएम नीतीश को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ट्वीट। इन दिनों बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरेत पाली में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हनुमंत कथा का पाठ चल रहा है जो कि कल यानी कि 17 मई तक जारी रहने वाला है। बता दें कि अपने इस कार्यक्रम को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आए हुए हैं, वहीं आज उनके कार्यक्रम का चौथा दिन है। बता दें कि कथा के तीसरे दिन बाबा के द्वारा दरबार लगाया गया था जिसमें उन्होंने कई लोगों के नामों की पर्चियां निकाली। बता दें कि बीते दिन आयोजित किए गए दरबार में 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। वहीं बीते दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बिहार पटना में काबा बागेश्वर सरकार बा, पटना में हमारी सरकार ने तो गर्दा उड़ा कर रखा है। जितनी भी सीएम या नेताओं के पैसे दे देकर बस बुक करवाने में नहीं आती उसकी दोगुनी तो यहाँ बाबा को देखने के लिए पागल हुई है। सनातन की ऐसी अलख बिरले ही मिलती है। आईपीएल में शतक के बाद शुभमन गिल ने इस क्रिकेटर को बताया अपनी इंस्पिरेशन। आईपीएल में शतक के बाद शुभमन गिल ने इस क्रिकेटर को बताया अपनी इंस्पिरेशन। आईपीएल 2023 में बीते दिन हुए मैच गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शुभमन गिल को उनके पहले आईपीएल शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। बता दें कि बीते दिन हैदराबाद को 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली गुजरात पहली टीम बन गई है। वहीं शतक जड़ जाने के बाद शुभमन गिल के द्वारा अपने इंस्पिरेशन के बारे में बात करते हुए बताया गया कि कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और आधुनिक समय के महान क्रिकेटर विराट कोहली हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं 12-13 साल का था तब मैं विराट कोहली भाई को सबसे ज्यादा फॉलो करता था। उन्होंने कहा कि जब से मैंने क्रिकेट को समझना शुरू किया है तब से कोहली मेरे आदर्श रहे हैं। मैंने विराट भाई से बहुत कुछ सीखा है। उनकी बल्लेबाजी, जुनून और खेल के लिए प्रतिबद्धता मुझे प्रेरित करती है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली मेरे आदर्श और प्रेरणा है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, नुनु गोलू कुमार, मृत्युंजय कुमार, लक्ष्मी मेहता, सुरुचि कुमारी, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, के सिन्हा, सदुल्लाह पल्लवी, पीके पासवान, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, योगेंद्र रजक, दया शंकर प्रसाद सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या सीएम नीतीश कुमार 2025 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।